गुड मॉर्निंग गाइस, वंस अगेन मिलान इटली से। मैं इस टाइम मिलान में हूँ, इटली के अंदर। कल शाम को मैं आया था और बेसिकली कल पूरी दिन बारिश थी, आज भी सुबह बारिश थी, अभी भी बारिश का थोड़ा थोड़ा इम्कान है। ये हॉस्टल है बेसिकली जो आप देख रहे हैं, पूरा ये जो एरिया आपको खूबसूरत नज़र आ रहा है, ये है मेरा हॉस्टल यहाँ मिलान में। और ये 24 यूरो का मैंने लिया है, लेकिन ये बाहर से तो अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत ख़राब हॉस्टल था ये, बहुत कमज़ोर एक्सपीरियंस गया यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम। इस तरह का हॉस्टल मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है, जिसमें टॉयलेट्स भी ख़राब, रूम भी ख़राब और सोने की जगह भी ख़राब, सब कुछ यहाँ पे मतलब सही नहीं था। तो मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं आपको अंदर से दिखा दूँ। तो बहरहाल बुरा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर। तो आज तो खैर बारिश का बहुत ज़्यादा इम्कान था, लेकिन अभी थोड़ा मौसम सही है, तो मैंने बोला चलो एक वीडियो बना लेता हूँ। वैसे मैं तक भी गया हूँ, आज मेरा ये 3 हफ्ते हो गए यूरोप के ट्रिप में। तो आज मेरा थकान की वजह से वीडियो बनाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा चलो चलता हूँ यहाँ मिलान में, थोड़ा शहर भी देखते हैं और आपको ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से थोड़ा आइडिया देता हूँ कि ट्रांसपोर्ट जो है आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है किसी भी शहर में, ख़ास तौर पे यूरोप में या किसी भी और शहर में। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके पैसे कम लग जाते हैं। अगर आपके $10 लगते हैं तो आपका वहाँ पर $1 लग जाता है। और सबसे आसान तरीका पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने का ये है कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और आपके पास गूगल मैप वगैरह होना चाहिए। तो लाजमी बात है, इंटरनेट होगा तो गूगल मैप भी होगा आपके पास, और आप सिंपली क्या करेंगे कि वो जहाँ पे जाना है आपने वो डाल देंगे, वो गूगल मैप में ना गूगल के अंदर ही, मैप के अंदर ही आपको बता देगा कि कौन सी ट्रेन जाती है, कहाँ तक आपने पैदल जाना है, कौन सी बस आएगी, कौन सी ट्रेन आएगी, और फिर आपकी जगह पर आप कितनी देर में पहुँचेंगे। सबसे बेस्ट तो ये तरीका है मेरे भाई, और मैं भी यही यूज़ करता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप वहाँ पे उस मुल्क में पहुँच के ना, उधर का जो लोकल ट्रांसपोर्ट का, मैं हर शहर के अंदर जो है ना वो ऐप होता है, या मुल्क का या शहर के अंदर वो एप्लीकेशन होती है, वो आपने मोबाइल में डाउनलोड करनी है, तो उसको भी आप, उसमें भी आपको सारी चीज़ें वो बता देता है। अब अक्सर जगह पर ज़बान का भी मसला आ जाता है, क्योंकि ट्रेन स्टेशन और बस वगैरह पर वो इंग्लिश में कम ही लिखा होता है। जैसे यहाँ अभी मैं इटली में हूँ तो यहाँ भी ये इशू है। अब अगर आप टैक्सी में जाते हैं तो आपको सही तरीके से पता नहीं चलेगा ना कि कौन सी जगह का क्या नाम है, कौन से चौक का क्या नाम है, चौरंगी का क्या नाम है। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं तो बहुत आइडिया आपको हो जाता है उस शहर को समझने में। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट तरीका है, पैसे भी बचाने हैं और साथ में शहर को सही तरीके से घूमने का है। अभी ये ट्रेन स्टेशन है, यहाँ से मैं अभी एक बहुत साइड पर हूँ शहर में मिलान में, तो मैं ये मेट्रो यूज़ करके, 1.5 यूरो इसका टिकट है, तो इसको यूज़ करके मैं सिटी सेंटर जाऊँगा। तो अभी मुझे कोई पता नहीं है कि कैसे यूज़ होता है, लेकिन बस ये QT8 स्टेशन पे मैं हूँ और सिटी सेंटर कोई 15-20 मिनट दूर है, वहाँ जाना है। तो आइए देखते हैं कि टिकट कैसे लेनी है और फिर आगे कैसे सफ़र चलता है। इस तरह का मैप आपको तकरीबन दुनिया के हर मेट्रो या बस स्टेशन के अंदर मिलेगा, जिससे आप मालूम कर सकते हैं कि आपका स्टेशन कौन सा है और जाना कहाँ है आपने और कैसे पहुँचेंगे आप। अब यहाँ पे ये मैं ये स्टेशन के अंदर, और मैं यहाँ पे इस स्टेशन के ऊपर हूँ QT8, और मुझे जाना है सिटी सेंटर। तो यहाँ पे ऑपरेटर भी होता है हर स्टेशन, या जो ट्रेन स्टेशन होती है उसके अंदर एक बंदा भी होता है, उससे भी आप पूछ सकते हो। तो उससे मैंने पूछा कि मुझे जाना है सिटी सेंटर, तो उसने कहा कि गोवा ये वाला स्टेशन है ग्रीन लाइन पर, मैं भी रेड लाइन के ऊपर हूँ।
इस मैप से आप समझ सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे रेड लाइन लेनी है और चेंज करके ग्रीन लाइन में बैठ के गोवा जाना है, और वहाँ पे उधर की वो है सिटी सेंटर, और 1.5 यूरो मेरे हाथ में है, तो अभी 1.5 यूरो का मैं लूँगा टिकट, और टिकट के बाद जो है मैं सीधा वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। ठीक है, तो ये टिकट की मशीन है, इस पर सारा लोकल लैंग्वेज में लिखा होता है, जैसे यहाँ इटली है तो इटालियन में है, दूसरा कंट्री होगा दूसरी लैंग्वेज में, लेकिन साथ में इंग्लिश में भी लिखा होता है। ये क्लिक करना है, इंग्लिश सेलेक्ट करनी है, ठीक है, इंग्लिश सेलेक्ट करके उसमें स्टैंडर्ड एक ही वन वे का टिकट चाहिए मुझे, सही है, तो ये मैं यहाँ पर पैसे डालूँगा, पैसे मैंने डाले, मतलब जो स्क्रीन है ना उसके ऊपर इंग्लिश आपने सेलेक्ट करनी है, तो उसमें बाकी इंस्ट्रक्शन होंगी कि आपको पूरे दिन का टिकट चाहिए या सिर्फ एक वे का टिकट चाहिए या एक हफ्ते का चाहिए, पास चाहिए, मतलब ये देखो अभी टिकट भी नीचे आ गया, ये इतना सिंपल सा 30 सेकंड का प्रोसेस था, मैं टिकट आ गया, अब इसके थ्रू मैं एक वन वे सफ़र कर सकता हूँ इस ट्रेन के अंदर। जनाब मैं मेट्रो से उतर गया हूं, और अभी ये आप देखिए पीछे बैकग्राउंड में बहुत ही खूबसूरत ये चर्च है, डोमो नाम है इसका, और ये है मिलान का सिटी सेंटर, और भाई इटली का आर्किटेक्चर सिंपल। अच्छा, वहां पे टिकट लेने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने सिंपली एक बंदे से पूछा, मैंने कहा मुझे आगे सिटी सेंटर पे उतरना है तो कौन से स्टॉप पर उतर जाओ, तो उसने कहा ये डोमो स्टॉप जो है ना इस पे आप उतर जाना, स्टेशन जो है इस पे मैं उतर गया, और दैट्स इट। मतलब यार किसी से भी ना इसमें पूछना लाजमी होता है जब इस तरह फाइंड करना चाहते हो, क्योंकि आज तो मेरे पास इंटरनेट भी नहीं था और गूगल मैप भी नहीं था, तो मैं ऐसे ही निकला है, मैंने कहा मिल जाएगा कहीं ना कहीं से ना, तो आपके अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए कि आप किसी से भी क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो, और किसी भी टाइम पूछ सकते हो, ये मेन चीज़ है, बाकी इतना मुश्किल नहीं होता। यूरोप के हर छोटे बड़े शहर में इस तरह के छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, उससे आप कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं। अब इसमें आपको जो है ना कॉफ़ी वगैरह, जूस वगैरह और छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती है, ड्रिंक्स वगैरह इस तरह के शॉप में। अब मैं ये मिलान के मेन स्क्वायर के ऊपर आ गया हूँ, पीछे एक बहुत बड़ा स्टेचू है और सामने चर्च है, उस तरफ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, और इस तरह का जो मेन स्क्वायर होता है ना, ये तकरीबन दुनिया के बड़े शहरों के हर, मतलब हर शहर में होता है, ये बड़े मुल्कों के हर शहर में जो टूरिस्ट वाले हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, हर बंदा कैमरा पकड़ के तस्वीरें ले रहा है, और म्यूज़िक चल रहा है, और बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर भाई जान। कराची में भी ऐसा एक स्क्वायर होना चाहिए बड़ा, जहाँ पे तमाम जगह एक साथ बंदा जा सके आसानी से। और इटली जो है ये फिफ्थ मोस्ट विजिटेड कंट्री है दुनिया में, इसको तकरीबन 5 से 6 करोड़ लोग हर साल विज़िट करते हैं, 2.5 से 3 करोड़ लोग तो सिर्फ और सिर्फ वो वेनिस को विज़िट करते हैं। तो ये अभी जिस स्क्वायर पर मैं हूँ ये स्टेशन के करीब ही है, और अभी मैं थोड़ा सा घूमूंगा फिरूँगा, 1.5 घंटा है मेरे पास, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा अपनी बस पकड़ के मैं फ्रांस जाऊंगा, तो दिखाते हैं आपको।
मिलान की गलियों में घूम रहा हूँ भाई, और बहुत खूबसूरत है, खासकर जो आर्किटेक्चर वगैरह है, डिज़ाइन है घरों का, बिल्डिंग्स का। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ पता चली है, जब मैं इटली में आया हूँ ना, तो ये यूरोप की इस टूर में वाहिद कंट्री है जहाँ पे मुझे फौजी नज़र आते हैं, हर जगह पे पुलिस नज़र आती है। पता नहीं क्या वजह है, या तो ये तुर्की के करीब है या कोई और मसला है सिक्योरिटी का। तो मगर यहाँ पे आपको जगह जगह पे फौज की गाड़ियाँ और फौजी नज़र आएंगे। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे ना एशियंस, जैसे कि बंगाली, पाकिस्तानी, इंडियन और काले नहीं कहना चाहिए, अफ्रीकन्स कह देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने काला बोला था उसमें अफ्रीका के टूर में, लोगों ने बड़ा उस पर इतराज़ किया था। वाकई हमें नहीं बोलना चाहिए, रेसिज्म में आता है, लेकिन हमारे लोग फिर बोलते हैं, हमारे लोग तो सब बोलते हैं, कालों को काले ही बोलते हैं। बहरहाल अफ्रीकन लोग जो है ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ये इटली के वेनिस में खासकर, और यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। और तीसरी बात ये है कि पिक पॉकेट यहाँ पे बसेस के अंदर मैंने देखा है, बसेस में मैंने देखा था, उधर वो साइन लगा हुआ था कि पिक पॉकेट से होशियार रहे, यानी जेब कतरों से होशियार रहे। तो इसका मतलब है यहाँ भी ये भी प्रॉब्लम है, तो आप अपने जेबों का ख्याल रखें, कुछ भी हो सकता है। इटली के तकरीबन हर शहर के अंदर ये चीज, आप इसका एहतियात रखें। मिलान के सिटी सेंटर में ये शॉपिंग मॉल से चेक करें, सारे ब्रांड्स है यहाँ पे, और इसका जो आर्किटेक्चर है, डिज़ाइन है, ये चेक करें कितना खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार जगह है भाई, ये बिल्कुल ए सिटी सेंटर के साथ है। अच्छा, अभी मैं वापस आ गया हूँ यहाँ पे अपने हॉस्टल के साइड पे, 2 घंटे के बाद वही ट्रेन से मैं वापस आया। और एक मसला ये हुआ कि जब यहाँ पे ट्रेन पे मैं वीडियो स्टार्ट की, तो जो मैं वीडियो बना रहा था टिकट लेने की, तो पुलिस वाले आ गए, तो उन्होंने मतलब डायरेक्ट वीडियो के दरमियान में नहीं आए, जब मैंने वीडियो बंद किया तो उसके बाद वो आए, 3 बंदे थे पुलिस वाले, और उन्होंने मुझे कहा कि ये वीडियो यहाँ पर अलाउड नहीं है, सिक्योरिटी मसला है कोई, तो आप यहाँ पर वीडियो जो बनाई है वो डिलीट कर दो। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जो बनाई है वो डिलीट नहीं करता, बाकी नहीं बनाऊंगा। तो ये भी चीज़ें होती है, फिर वो मान गए, अच्छा हुआ। तो ये पुलिस का चक्कर भी होता है, एक बार मैं दुबई में बीच पे वीडियो बना रहा था, तो पुलिस ने मुझे बाकायदा अरेस्ट कर लिया था, और बहुत बड़े पंगे हुए थे उसमें, मैंने कभी वो वाक़या आपके साथ शेयर नहीं किया है। अजरबैजान में मुझे पुलिस वालों ने पकड़ा था वीडियो बनाने पर, और कीनिया एंड तंजानिया में बाकायदा पुलिस वालों ने मुझे इस तरह जो है ना पकड़ा था, ट्रेन स्टेशन के अंदर वीडियो बनाते हुए। तो चुपके से बनानी पड़ती है, बड़ी कभी कभी ख्वारी करनी पड़ती है, कभी कभी रिस्की भी थोड़ा होता है,
लेकिन ये मसले आते रहते हैं भाई जान ये ट्रेवल के अंदर, तो बहुत हिम्मत वाला काम है। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये मैं घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ तो बस मज़े कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है मेरे भाई। अपने फैमिली पीछे छोड़ के इस तरह यहाँ पे, आज मेरा 21वां दिन है तो बहुत मुश्किल होता है, मुझे बहुत थकन भी हो रही है आज, तो मेरा दिल कह रहा है कि मैं वापस चला जाऊँ, लेकिन अभी कुछ दिन है तो मैं हिम्मत कर रहा हूँ। तो ईजी नहीं, अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि यार आप फिर क्यों करते हो। देखो भाई, ये कोई नहीं कर रहा था ना पाकिस्तान से ये चीज़, तो ये मैंने समझो कि एक जिम्मेदारी ली है, चैलेंजिंग काम है, तो मैंने कहा कि ये चैलेंज मैं करता हूँ, ये करके दिखाऊंगा ट्रैवल और ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ। मेरा काम नहीं है लेकिन ये मैं हिम्मत करके अपनी कैपेसिटी जो है उससे ज़्यादा कर रहा हूँ ये चीज़ें मैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग। फिर अभी मैं दोबारा से ट्रेन पकड़ूँगा, अभी सामान उठा के होटल से तो जाऊंगा ट्रेन स्टेशन और बस स्टेशन, बस जाऊंगा, बस स्टेशन करीब ही है यहाँ पे। तो अगर इस तरह आपको मालूम हो और करीब हो स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, तो फिर तो इजी होता है सामान भी कैरी करना, लेकिन दूर हो तो फिर थोड़ा मसला हो जाता है। बाय।